राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश ने तय किया फिर से मोदी सरकार। मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया, कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक बनाया। 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत होगा, यह अमित शाह ने कहा। अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, देश ने तय किया फिर से मोदी सरकार। साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है। देश ने 77 साल में 17 लोकसभा चुनाव देखे हैं। 60 करोड़ गरीबों को घर दिया गया है। समग्र विकास पिछले 10 सालों में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिवेशन के दौरान अपने संबोधन के दौरान कहा, देश का गौरव पूरी दुनिया ने महसूस किया है। 10 सालों में देश सुरक्षित। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक बनाया है। 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत होगा, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। साथ ही देश को सुरक्षित कर भारत को विश्व मित्र बनाया है। हर वर्ग को सम्मान दिया गया है। बीजेपी का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2024 में मोदी फिर प्रधानमंत्री बने। अभाव था, वो अभाव को एक ही 10 साल इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी। मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई अपने अपने समय में, हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है। मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है, और अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पीएम ने देश में सुशासन स्थापित किया है। पीएम देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक। राम मंदिर, चेतना का मंदिर, 10 साल में तेजी से विकास हुआ है, जेपी नड्डा ने कहा।